welcome my dear students from this session we are starting different types of sequences and series AP, GPHP, so the first session this session will be about arithmetic or geometric progression in short agp such a series will involve an ap as well as a gp example let us say a series is one 2x, 3x square, 4x cube, and so on. 1, 2x, 3x square, 4x cube, 5x to the power 4, and so on. This is the series. So, in this series, you can observe that the numerical terms 1, 2, 3, 4, 5, these are forming an arithmetic progression. And the variable term, first case method one here second method is x. In case of third term, this is x square, then x cube, x to the power 4, and so on. So these terms are forming a GP. And effectively, 1 into 1 is the first term of this A G P, 2 into X is the second term, 3 into X square is the third term, and so on. So such a series is called Arithmetic or geometric progression AGP.

एन so, ए term ऑफ दिस ए जी पी विल बी इक्वल टू एन इन टू एक्स टू दावर एन माइनस इट इज दट क्लियर ठीक है एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पर क्वेश्चन इज फाइंड ऑफ द गिवेन सीरीज थ्री प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन एक्स क्यूब एंड सो ऑन सो फर्स्ट टर्म इज थ्री एपी और जीपी so so, को सबसे पहले सेपरेट करोगे ठीक है सो so, एपी हमारा फॉर्म हो रहा है 3 5 7 9 and so on and g p form horayama 1 x x square x cube and so on so nth term of the a p first term is 3 common difference is plus 2 so nth term of this a p will be 3 plus 2 into n minus 1 which will be 2n minus 2 plus 3 2n plus 1 so another term of the ap will be 2n plus 1 okay Or gp another term kya first term heaven common ratio here x r is equal to x so x to the power n minus 1 that will be another term of the gp so another term of this agp will be 2n plus 1 times x to the power n minus 1 kya hai baat clear? okay 2n plus 1 times x to the power n minus 1 that will be the term of this AGP. Clear? Okay. ठीक है एक और एग्जाम्पल लेते हैं दिस इज अनदर केस यू टू फाइंड ऑफ द गिवेन सीरीज सेवन हंड्रेड टेन थाउजेंड एंड सो एट द फर्स्ट इंस्टेंस यू माइट नॉट बी एबल टू सी दैट दिस इज ऑल्सो ए जीपी ठीक है पहले इंस्टेंस में लग सकता है इसीलिए ऐसा एक, एक, एक एक्साम्पल लिया है अब देखो यहां पे अगर हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं समझने को फर्स्ट टर्म क्या है देन 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 सो so, ये एक एपी फॉर्म हो रहा है वन फोर सेवन एंड टेन दिस इज एन एपी और बचा हुआ पार्ट क्या है फर्स्ट टर्म में वन सेकेंड में फोर इंटू टेन है तो टेन थर्ड में सेवन इंटू हंड्रेड है सो हंड्रेड एंड फोर्थ इज टेन इंटू वन थाउजेंड तो वन थाउजेंड तो क्लियरली द सेकेंड पार्ट इज अ जीपी दिस इज ऑल्सो ए जीपी सो एन टर्म ऑफ दिस एपी विल बी फर्स्ट टर्म इज वन कॉमन रेशियो इज थ्री So nth term will be 1 plus 3 times n minus 1, which will be 3 n minus 3 plus 1. So 3 n minus 2. This will be n term will be 3n minus 2. Okay. Similarly for the GP, first term is 1, common ratio is 10. Common ratio 10. Hai. So n term will be 10 to the power n minus 1. So n term of the product, the a G P will be 3 n minus 2 times. Okay. तो टू दाइनस अब सम कैसे निकालेंगे? किसी भी ऐसी फाइंड आउट करेंगे यह भी समझते हैं सो फर्स्ट सच एक्साम्पल एंड फर्स्ट सच एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल पहले करते हैं उसके बाद में फिर एंड टर्म्स का सम निकालेंगे और का हम सिर्फ और सिर्फ तभी निकाल सकते हैं वेन

एपी so तो के फॉर्म में है। क्या अप्रोच हम कर सकते हैं जिससे कि हम इसको एक जीपी में कन्वर्ट कर सकें ध्यान से मेरी बात को समझना एपी में क्या स्पेशल बात है क्या स्पेशल बात होता है कि एपी के के केस में द कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेम तो सम हाउ अगर हम कॉमन डिफरेंस को इक्वेट कर पाए सारे के सारे केसेस में तो डेफिनेटली कॉमन डिफरेंस तो सेम आ जाएगा और वो कब इक्वेट कर सकते हैं कब उसको कैलेशन मिला सकते हैं जब हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को समाओ सब्ट्रैक कर पाए या थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक कर पाए फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक कर पाए अगर ये छोटी सी बात तुम्हें समझ में आ जाएगी तो अगर इस बात को तुम प्रोसेस कर पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं देन डेफिनेटली जब आगे के क्वेश्चन आएंगे एजीपी के अलावा जब बाकी सीरीज करेंगे तो वहां पर तुम्हें अप्रोच क्लियर होगा कि तुम्हें कुछ सीरीज को हैंडल कैसे करना है तो यहां पर हमें क्या हैंडल करना है हमें सारे टर्म में अगर हम कोविशन कॉन्स्टेंट कर दें कोविशन कॉन्स्टेंट कब होगा जबकि कॉमन डिफरेंस के टर्म्स में हम हैंडल कर पाए वो कैसे करेंगे वो समझते हैं डेफिनेटली हमें पता है कि फर्स्ट टर्म हमारा है टू एक्स सेकेंड है तो फिर जो वेरिएबल पार्ट है उसको हमें सेम करना पड़ेगा वेरिएबल पार्ट है कन्वर्ट करें समाउ जिसके लिए हम क्या करेंगे वी कैन मल्टीप्लाई द सम बाई एक्स इफ यू मल्टीप्लाई द सम बाई एक्स ठीक है तो टू एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्स स्क्वायर विल बी फाइव एक्स क्यूब एट एक्स क्यूब विल बी एट एक्स टू पावर फोर बट so क्योंकि हमें सब्ट्रैक करना है तो चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए वॉट विल डू विल बी शिफ्टिंग द टर्म्स बाई वन सो देट एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर का ही टर्म रहे ताकि हमें चीजें विजिबल प्रॉपरली हो ठीक है तो हम इसको एक टर्म शिफ्ट कर देते हैं ओके okay? समझ में तो आई गया एक टर्म इसको शिफ्ट कर देते हैं So this is 2x square plus 5x cube plus 8x to the power 4 plus 11x to the power 5 and so on. Now we will subtract second series from the first any s minus s x carrying to s to common again s into 1 minus x that will be equal to 2x plus 5x square minus 2x square to 2x plus 3x square plus 8x cube minus 5x cube to plus 3x cube इलेवन एक्स टू दाइनस एट एक्स टू द्लस एक्स टू द्री टाइम एक्स टू एंड सो एंड जाएगा ध्यान है, है बट इसके बाद का पार फोर एंड सो इनफाइनाइट सीरीज 4, so ये इनफाइनाइट तो जीपी बन रहा है so? So, so, 2x को और थ्री एक्स स्क् चाहो तो कॉमन ले लो यहां से कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा अंदर वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क् एक्स क्यूब एन सो ऑन टेल इन्फिनिटी नो वी कैन ईजी फाइंड आउट दिन एस इंटू वन माइनस एक्स की वैल्यू आई है हमें क्या चाहिए हमें स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि हमें समाहू अपनी सीरीज को क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और अगर इनफाइनाइट सीरीज ना भी होती है एंड टर्म्स तक भी सीरीज होती तो भी हमारा पर्पस यही होता कि हम इसको एक ऐसी सीरीज में कन्वर्ट कर पाए सो दैट उस सीरीज का हम कैलकुलेशन फॉर्मुला यूज कर पाए

टाइम्स एक्स टू दाइनस वन दिस बी दीक है सेकंड टाइम इसको लिखेंगे हमारा पर्पज अगेन वही है कि हम इसको समा एक जीपी में कन्वर्ट कर सकें तो हम क्या कर देंगे एक्स बट शिफ्ट करके लिखेंगे सो देट सप्ट्राइक करने में इजी हो रहा है थ्री एक्स विल भी थ्री एक्स स्क्स स्क्वायर विल भी फाइव एक्स क्यूब एंड सो ऑन एंड सिमिलरली लास्ट टर्म भी शिफ्ट हो जाएगा और दिस विल बिकम टू एन माइनस वन टाइम्स एक्स टू दिक्कत आ गया अंदर बचाइन एक्स दैट इज वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब एंड सो ऑन आप चाहो तो ये लास्ट टर्म फाइंड आउट करो बट उसकी कोई जरूरत नहीं है अब ध्यान से एक बात समझनी है ठीक है

फर्स्ट टर्म को हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया बिकॉज फर्स्ट टर्म जीपी का पार्ट नहीं बना आपको सप्रैक्ट नहीं किया से लेकर टर्म तक टोटल हुए और इसके बाद में एक टर्म हमारा सप्रैक्ट हो रहा है दैट क्लियर सो एस इंटू वन माइनस एक्सर भी इक्वल टू वन एक वन टू एक्स तो कॉमन आ गया टू एक्स फर्स्ट टर्म हो गया ऐसे समझ लो कॉमन रेशियो कितना है हमारा? R कितना है? तो आर टू दाइनस वन यानीस वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन ओके माइनस टू एन माइनस वन टाइम्स एक्स टू दिस इज द वैल्यू ऑफ एस इंटू वन माइनस एक्स बट हमें एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एस विल भीव टू वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस एक्स को नीचे लाना है चलो इसको एक काम करते हैं माइनस माइनस कॉमन ले देते हैं तो अपॉन वन माइनस एक्स होता but 1 -x, 1 -x से भी किया है तो वन माइनस एक्स का होल स्कोर माइनस टू एन माइनस वन टाइम्स एक्स टू दूस Upon 1 minus okay, वन माइनस इसको ऐसे ही रहने दो बाकी और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है because यहाँ पे ultimately x आएगा, और इधर भी जब करोगे तो सो दिस विल ओके क्या ये बात क्लियर हो रही है समझ में आ रहा है सम अप टू एंड टर्म्स

Next is, find the sum of the following series up to n terms. The series is 0 0.1, 0 0.02, 0 0.003, 0 0.0004. Now, this series is also AGP. gp. AGP. Is it not? Okay. So, what is our sum? is equal to 0 0.1. Plus 0 0.02, plus 0 0.003, plus 0 0.0004 and so on till n terms. And the term will

टर्म एन डिवाइडेड क्या बात क्लियर है नाउ सिंस वी नी टू फाइंड आउट द हमें अगेन जीपी जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो एक एक टर्म शिफ्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करेंगे किससे कॉमन रेशियो से जीपी के कॉमन रेशियो से यानी विल बी मल्टन बाय टेन एस बाई टेन विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट वन विल बी जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो टू विल बी जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू Then 0. 0.0003 and so on. And this last term will become plus n upon ten to the power n plus one. Okay. Hai. Subtract kar So s minus s by ten will be s into one minus one by ten yani ki S into nine by ten. 0.1 0.01 0.001 0.0001 एन प्लस अब यहां पे चाहो तो सेकंड टर्म से अगर तुम कैलकुलेट करते हो जीपी लेते हो तो डेफिनेटली सेकंड टर्म से जीपी लेते हो तो फिर एन माइनस वन टर्म्स आएंगे बट सिंस फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो फॉर पार्ट ऑफ जीपी तो उसको भी साथ में ले सकते हो बट कॉशन से रहना है अगर सेकेंड टर्म से ले रहे हो तो एन माइनस वन टर्म्स का जीपी होगा और उसमें पॉइंट वन लास्ट में एड करोगे अगर फर्स्ट टर्म से तुम ले रहे हो तो फिर एन टर्म्स हो गए जीपी में ठीक है तो बस इस छोटी सी बात को ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते समय अदरवाइज कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा सो इफ वी आर टेकिंग फ्राम केस नंबर ऑफ टर्म्स विल भी इक्वल टू एन एंड नॉट एन माइनस वन ओके एन नॉट एन माइनस वन बिकॉज दिस इज वन टर्म प्लस एन तो टोटल एन टर्म्स आते सम so आ जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म जीरो पॉइंट वन इन टू इन टू ठीक है इन टू कॉमन रेशियो टू दावर एन माइनस ही लिख लेते हैं बिकॉज ज्यादा बेटर रहेगा कई जगह पर देते हैं इसको तो वन बाई टेन इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो इज ऑल्सो वन बाई टेन तो वन माइनस वन बाई टेन टू दावर एन क्योंकि टोटल टर्म्स एन लिए हैं हमने सारे के सारे टर्म्स लिए हैं अपॉन वन माइनस वन बाई टेन माइनस

एक सेकेंड कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या यहाँ पे दिस इज बिकमिंग वन बाई नाइन टाइम्स अच्छा इसको वन बाय नाइन ही रहने देते हैं दिस इज वन माइनस वन अपॉइंट टेन टू ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन तो नहीं होगा यहाँ पे दिस इज वन बाई नाइन टाइम्स वन माइनस वन अपॉइंट टेन टू द पार एन ओके माइनस एन अपॉइन्ट टेन टू द पार एन प्लस वन दिस इज एस इंटू नाइन बाई टेन तो एस का वैल्यू क्या जाएगा एस का वैल्यू क्या जाएगा एस विल बीवल टू टेन बाई नाइन टाइम्स दिस होल एक्सप्रेशन वन बाय नाइन इन टू वन माइनस वन अपॉइंटर एन माइनस एन अपॉइंटर एन प्लस अगर होते तो फिर चीजें ज्यादा आसान होती है हमारे लिए बट एन टर्म्स का दिसा ओके इज दैट क्लियर बाकी ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन एक्जेक्टली एग्जाम में कैसे दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा

दिस सीरीज इज लुकिंग लाइक अ प्रोडक्ट बल्कि प्रोडक्ट ही है दिस इज अ प्रोडक्ट इज़ एंड सो तो अब यहां पे कैसे हम अप्लाई करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे थिंक अबाउट इट टू टू वन बाई फोर है प्रोडक्ट में फर्स्ट टर्म क्या है टू दू दर वन बाई फोर सेकेंड टर्म है फोर टू दर वन बाई एट फोर टू दन बाई एट है बट क्या फोर टू दर वन बाई एट को हम लिख सकते हैं टू टू दू स्क्वा लिख सकते हैं देनेक्स्ट टर्म है एट विच इज टू का क्यूब टू क्यूब टू दिन बाई सिक्सटीन नेक्स्ट टर्म इज टू दू दर्टी टू एंड ऑन. सो दिस बिकम्स टू टू दन बाई फोर इन टू 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 दू बाई एट इन टू 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 द्री बाई सिक्सटीन इन टू 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 द पार फोर बाई थर्टी टू इन टू एंड सोन सो वी नो दैट इफ ए टू दल्टीप्लाइड बाई ए टू दू पावर हमारी एड हो जाती है

वन बाई फोर प्लस टू बाई एट प्लस थ्री बाई कॉमन रेशियो यहां पे कितना आ रहा है हमारा वन बाई फोर देन वन बाई एट वन बाई सिक्सटीन टू यानी कि वन बाई टू इज द कॉमन रेशियो तो मल्टीप्लाई कर देंगे वन बाई टू से तो नेक्स्ट आ जाएगा एस इन टू वन बाई टू यानी एस बाई टू हो जाएगा और फिर एक टर्म शिफ्ट कर देंगे तो वन बाई फोर विल बिकम वन बाई एट टू बाई एट विल बिकम टू बाई सिक्सटीन थ्री बाई सो ऑन

ट कर पा रहा हूँ क्लियर तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जहाँ पे कि एजीपी का एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन था तो मैंने सोचा कि ऐसा क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं सो दैट समझ में आए चीजें और बेटर तरीके से एक्सैक्ट क्लियर अब एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं और फिर इस पर्टिकुलर सेशन को रैपअप करते हैं और फिर अग, अगले सेशन से हम लोग और भी बेटर डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज को लेंगे हाँ एक बार सिग्मा नोटेशन और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम एक सीरीज एक नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे उसके बाद में फिर सीरीज को और वेरिएबिलिटी थोड़ा सा कवरअप करेंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ठीक है ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो कैसे सॉल्व करोगे थोड़ा सा टाइम दो क्वेश्चन को ठीक है टेक योर टाइम जरूरी नहीं है कि तुम आंसर फाइंड आउट कर पाओ बट अटेम्प्ट जरूर करो

टू पार वन है टेन टू दिन टेन की पावर एक डिक्रीज कर गई है एंड इलेवन का पावर एक इंक्रीज कर गया यानी कि बेसिकली वी मल्टीफ्लाइड सम हाउ इ टू एंड दिन टू टू तो बेसिकली इफ यू मल्टीप्लाई इफ यू मल्टीप्लाई इन दिस केस बाई टाइन को अगर हम इलेवन बाई टेन से मल्टीप्लाई करें सो विल गेट इलेवन टू दिन टू पार एट क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या ये बात क्लियर है ठीक है सिमिलरली अगेन इफ यू मल्टीप्लाई मलिप्लाई बाईन बाई टेन

टेन का रह जाएगा तो दिस विलवन बाई टेन नेक्स्ट टर्मी थ्री इंटू इलेन बाई टेन होल स्क्वास्ट टर्म विन टाइम्स इलेवन बाई टेन टू दिसम क्वेश्चन बन गया अब, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे by से, तो इलेवन बाई टेन टाइम्स के विले तो वन विल बिकम इलेवन बाई टेन

इलेवन बाई टेन टू दी पावर नाइन और लास्ट वाले टर्म सप्रैक्ट होगा माइनस टेन इंटू इलेवन बाई टू दी पावर टेन सप्रैक्ट सारी करने के लिए ठीक है तो डायरेक्टली तो उसको लिख देंगे Now, कितने हमारे? अगर फर्स्ट टर्म सेल्कुलेट कर रहे हो तो टोटल टर्म्स हमारे पास आए हैं टोटल टेन टेन टर्म बिकॉज फर्स्ट टर्म ऑल्सो फॉर्म दफ जीपी वन है इजी है कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सो फर्स्ट टर्म से टोटल टेन टर्स हमारे जीपी है और टेन टू नेक्स्ट पेज पर इसको कैलकुलेट कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं माइनस के बाई टेन विल भी इक्वल टू सबसे पहले टेन टर्म्स का समय हमारा बाई टेन सो इलेवन बाई टेन ए इंटू आर टू दिन माइनस वन टू वन इंटू इलेवन बाई टन टू दावर टेन माइनस वन अपॉन इलेवन बाई टेन माइनस वन और माइनस में लास्ट में टर्म क्या टेन इंट इलेवन बाई टेन टू द पावर टेन ठीक है सो दिस दिसवन बाई टी टेन इक्वल टू टेन टाइम बाई द पावर टेन माइनस वन और माइनस टेन टाइम्स इलेवन बाई टेन टू पावर टेन सो बिकम्स टेन टाइम्स

सो so, इतना ही रखते हैं इस सेशन में आई बिलीव सेशन में जो भी बातें है मैं इसी समझ में आई होंगी अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू लाइक द पर्टिकुलर वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक द कंटेंट एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल दैट्स ऑल फॉर द बाय बाय टेक केयर कीप लर्निंग